दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि 2021 के अंदर आपका YouTube चैनल ग्रो हो जाएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ फॉलो करते हैं या फिर अपनी यूट्यूब वीडियोज के साथ फॉलो करते हैं, 100% 2021 में आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको YouTube से रिलेटेड ऐसी वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, वो है गाइस जब भी आप अपना नया नया चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको क्या करना है कि 10-20 या फिर 30 वीडियो आप मान लो ऐसे ही आपको अपलोड कर देनी है, सब्सक्राइबर को हाइड मत करना। उसके बाद जब आप 30-40-50 वीडियो जब आप अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपको अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड कर देना है। इससे क्या होगा, देखिए जब भी आप न्यू चैनल ग्रो कराते हैं तो जो भी आपके वीडियो पर जो बंदे आएंगे वो आपके कंटेंट को ना ही देखेंगे और ना ही आपको देखेंगे, वो डायरेक्ट आते ही देखेंगे कि इस बंदे के चैनल के सब्सक्राइबर कितने हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर को शुरुआती में ही आपको हाइड कर देना है। इससे आते ही वो बंदा जब देखेगा तो उसको सब्सक्राइबर जब दिखेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इस बंदे के सब्सक्राइबर कितने हैं। तो यह है हमारा पॉइंट नंबर 1 जो कि आपको अपने चैनल के साथ करना है। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर, वो है गाइज कि आप जब भी नया नया चैनल क्रिएट करते हैं आप ये गलती करते हैं गाइज जो कि आपको नहीं करनी है। वो क्या करते हैं आप क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को एकदम फुल एक्सप्लेन करते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, और मैं भी अभी तक नहीं करता हूँ। क्योंकि आप क्या करते हैं कि लाइक शुरुआती में आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक टॉपिक को अगर आपने ले लिया तो उस पर पूरी की पूरी एकदम रामायण आप बना देंगे गाइज, इतनी आपको नहीं करनी है। आपको शुरुआती में आप करते क्या, एक इंट्रो अगर आप क्रिएट करना सिखा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, दोस्तों सबसे पहले आप इस वेबसाइट को ओपन करो, फिर ये आप इंट्रो डाउनलोड करो, इस इंट्रो का ये टेम्पलेट है इसको आप इस तरह से डाउनलोड करेंगे, फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको काइन मास्टर का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से काइन मास्टर जी को डाउनलोड करेंगे, फिर काइन मास्टर को ओपन करेंगे आप। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आप इस इंट्रो को अपने यूट्यूब वीडियो में लगाएंगे तो आपका इंट्रो यूट्यूब वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगा दोस्तों। और क्या होगा, 15 सेकेंड आपके वीडियो पर लोग आएंगे और आपके वीडियो पर वॉच टाइम भी बढ़ेगा दोस्तों, आप इस तरह से उसके फायदे गिनवाते हैं। तो यह काम आपको नहीं करना है, जब भी आपका नया नया चैनल है तो आप डायरेक्ट अपने टॉपिक के अंदर गाइज एंट्र हो जाओ सीधे, बस बता दो कि आप वहाँ इंट्रो कैसे करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके काइन मास्टर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद ये आपको प्रोसेस करना है, डायरेक्ट आप अपने टॉपिक के अंदर एंट्र हो जाओ गाइज। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है जब आपका न्यू चैनल होता है। तो आपको जब भी आप न्यू चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको शॉर्ट्स वीडियो ही बनानी है, लाइक शॉर्ट्स, ये नहीं हैशटैग शॉर्ट्स, वो वाला शॉर्ट्स नहीं, वो शॉर्ट्स जिसमें कि आप अपने वीडियो का ड्यूरेशन 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड तो बहुत ही कम, आपको कोई इंफॉर्मेटिव वाला वीडियो हो तब आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर छोटा सा वीडियो है जिसमें कोई इंफॉर्मेटिव ही नहीं है, इंट्रो में क्या इंफॉर्मेटिव है, तो उसमें आप डायरेक्ट अपने टॉपिक में एंटर हो जाओ और वीडियो का ड्यूरेशन 3 सेकेंड, 2 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड ही रखो। अभी गाइज बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो है थंबनेल। जी हाँ गाइज, आपको यूट्यूब चैनल को ग्रो कराना है या फिर अपनी वीडियो को वायरल कराना है तो थंबनेल यह बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपनी थंबनेल को किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, किस तरह से एडिट कर रहे हैं। आपको गाइज थंबनेल के अंदर कुछ ऐसा लिख देना है, कुछ आपको ऐसा दिखा देना है कि लोग उस पर क्लिक किए बिना रह ही नहीं पाए, लोगों को ऐसा लगे कि क्लिक करना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो की थंबनेल देखकर ही तो आपने क्लिक किया है, इस वीडियो की थंबनेल थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, अट्रैक्टिव लगी होगी, तभी तो आपने इस पर क्लिक किया है, अदरवाइज नहीं क्लिक करते। तो शुरुआती के दिनों में आपको थंबनेल इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनानी है, थोड़ा बहुत आप क्लिक बेट भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। तो आपको क्लिकेबल और क्लिक बेटेड दोनों थोड़ा थोड़ा मिक्स करके, यानी आपको आटे के अंदर नमक भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा मिलाना है, थोड़ा मैं भी मिलाता हूँ आप भी मिलाइए,
मिला करके थंबनेल को इस तरह से एडिट करना है कि लोग उस पर क्लिक किए बिना रह नहीं पाए गाइज। और एक्टिंग बहुत हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3, जिसमें कि आपको थंबनेल को इम्प्रूव करना है। अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर, वो है गाइज SEO। ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको टेक्स्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है अगर आपको 2021 के अंदर अपने YouTube चैनल को ग्रो कराना है। तो ये वीडियो मैं बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको SEO करना सिखाऊंगा। तो वेट करते रहिए, बहुत ही जल्दी वीडियो आ जाएगा जिसमें मैं SEO आपको करना सिखाऊंगा। तो गाइस जब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, वो है गाइस प्रेजेंटेशन। आपको अपनी वीडियो में प्रेजेंट कुछ इस तरह से करना है, कुछ इस तरह से आपको अपने वीडियो के अंदर एंटर होना है। वीडियो के अंदर एंटर होते ही आप कुछ ऐसी बात बोल दीजिए, कुछ ऐसा लोगों को कह दीजिए जिससे कि आपकी ऑडियंस वहीं पर रुक जाए, वहीं पर ऐसा लगे कि हाँ हमें वीडियो में आगे ये चीज़ देखने को मिलेगी, इसके लिए वो आपके वीडियो पर रुक जाए। और वीडियो की एडिटिंग आपको इतनी अच्छी करनी है, लाइक जब आप ये कहते हैं कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पर यूट्यूब का लोगो और साइड में वो जो होता है ना एक क्वेश्चन मार्क आ जाए, यानी स्टिकर और कुछ कॉपीराइट फ्री वीडियोज, इमेजेस, ये आपको साइड में प्ले करनी है। यानी जैसा जैसा आप बोलते हैं शुरुआती में आपको एडिटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रेजेंट आप कुछ इस तरह से करिए, कुछ इस तरह से आप बोलिए, बोलने का तरीका आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा नहीं, मेरा भी नहीं है, थोड़ा सा बस अच्छा होना चाहिए, मुझे भी नहीं बोलना आता है यार, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सब आप पॉइंट अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर अपनी यूट्यूब वीडियोज पर फॉलो करते हैं तो 100% 2021 के अंदर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यही थे यार आज के कुछ पॉइंट्स। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ गाइस, जैसे मेरे पास बहुत सारी टिप्स है जो कि मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, उसमें एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें और कुछ टिप्स बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कराने के लिए। और SEO वाला वीडियो बहुत ही जल्दी आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।